आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। अभी जो गाने हमने देखे और सुने, गा रही थी अपने वक्त की मशहूर सिंगर उमा देवी। उमा देवी ने गाना कभी किसी से नहीं सीखा था, बहुत गिफ्टेड टैलेंट था और वो बचपन से ही बहुत अच्छा और सुर में गाती थी और प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। इसलिए एक दिन पहुंच गई मशहूर संगीतकार नौशाद अली साहब के घर पे और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। नौशाद साहब, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, मेरा गाना सुनिए, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिए मैं समुंदर में कूद के अपनी जान दे दूँगी और गुनाह मेरी मौत का आपके सर पे होगा। नौशाद साहब बेचारे सहम गए, डर गए। दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया, बिठाया और उनका गाना सुना और गाना उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी कई फिल्मों में उमा देवी से गाने गवाए और वो सुपरहिट हो गए। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। उमा देवी के गाने हिट हुए और वो टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर बन गई अपने दौर की। बस फिर क्या था, खूब पैसा कमाया और जब पैसा आया तो खाने पीने की तो बहुत ज़्यादा शौकीन थी। इतना खाया कि लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो गई। नौशाद साहब ने उन्हें देखा और मशवरा दिया और कहा कि उमा देवी, अब आप गाने का इरादा छोड़ दीजिए, आप एक्टिंग कीजिए और वो भी कॉमेडी कीजिए, क्योंकि अब आप ऐसी हो गई हैं, आपका जिस्म इतना गोल मटोल हो गया है कि आपको देखते ही लोगों को हंसी आएगी। और उन्होंने उमा देवी को नया नाम दे दिया, टुन टुन। आओ आओ देवी, हम तुम्हें पहचान गए, मगर पहले से दुबली दिखती हो। हाँ महाराज। तुम्हारा पति भी रूठ गया है या तुम्हें भी पुत्र का गम है? महाराज दोनों ही बातें हैं, मेरा पति पुत्र न होने की वजह से मुझसे रूठ के घर से भाग गया है। महाराज कोई ऐसा उपाय कीजिए। हम समझ गए, पुत्र चाहती हो ना? हाँ महाराज। तो पति की सेवा करो, सेवा ही से मेवा मिलता है। महाराज सेवा तो मैं अपने पति की दिन रात करती हूँ, मगर मालूम नहीं मेवा कौन खा जाता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने टुनटुन आंटी के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी, और ख़ास तौर पे दीदार में। दीदार में वो मेरी गवर्नेस बनी थी। उस दिन जिले पर से ढकेल दिया था, कल आतिशबाजी से जला दिया और आज घोड़े पर से गिरा कर लाया है ये मनहूस। ये बच्चे को जिंदा नहीं रहने देगा सरकार। डैडी, हामू ने मुझे नहीं गिराया, इसका कोई कसूर नहीं। लेकिन जाती जिंदगी में वो मुझे अपनी बेटी मानती थी। 1985 में मैंने एक फिल्म बनाई थी, तुम पर हम कुर्बान, और उस फिल्म में मेरा बेटा हौशंग गोविल हीरो था। मैंने टुनटुन आंटी से कहा, आंटी आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? कहेंगे हाँ ज़रूर करूँगी। मैंने उनसे पूछा, आंटी आप पैसे कितने लेंगी? तो कहने लगी, शर्म नहीं आती बेशरम, अरे कोई माँ अपनी बेटी से पैसे लेती है क्या? दोस्तों उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी नहीं लिया। लो खोल दिया तुम्हारा आँख, अब हमारा आँख में आग डाल के बात करो। कौन तुम? हम मिस टुनटुन घंटी वाला। घंटी वाला? मुझे तो आप पूरा घंटा घर लगा रही हैं। थैंक यू क्या बताइए मुला कहाँ है?
मोना मैन तुम कैसा बात करता है, प्रेम मोहब्बत का बात हमसे करता है और मोना को पूछता है तुम कैसा प्रेमी है। हम प्रेमी जरूर है मगर प्रेम सिर्फ मोना से करता है। मोना से हम पूछता है मोना में ऐसा क्या बात है जो हम में नहीं, हम भी जवान है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तुम क्या समझता है हमको तुमसे प्यार हो गया, हम तुमसे मैरिज करके गोवा जाएंगे उधर ही हनीमून मनाएंगे रे। हनीमून मैंने टुनटुन आंटी के साथ कई लाइव शोज किए थे, बहुत मजा आता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत प्यार करती थी और उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, ख़ास तौर पे कोरमा और पराठा। एक दिन उनका फ़ोन आया कि तबस्सुम तेरे हाथ का कोरमा और पराठा खाने को दिल चाह रहा है, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी, तू तैयार रखना। मैं उनका इंतज़ार करती रही और जब वो नहीं आई तो मैंने उनके घर पर फ़ोन किया और कहा कि मैं तबस्सुम बोल रही हूँ, टुनटुन जी से बात करना चाहती हूँ। तो सामने से जवाब मिला कि आप उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों, तो पता चला कि उनकी तो डेथ हो गई। मैं बिल्कुल सकते में आ गई और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।